हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या था? टर्म फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड्स में उसको कहा गया है। फोटो विच मीन्स लाइट, जो फोटो होती है उसे लाइट बोला गया है। सिंथेसिस विच मीन्स द पुट टुगेदर, एक साथ। इन फोटोसिंथेसिस वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। थ्री थिंग्स दैट इट, तीन चीज़ें होती हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कम्बाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, जब पानी सॉइल में ऑब्जॉर्ब होता है बाय रूट द्वारा, तो द वाटर राइजेज अप, जब पानी पहुंचता है कहाँ पर? राइजेज अप थ्रू द स्टेम, स्टेम में जाता है बेटा। फिर स्टेम में जाकर द लीफ स्टाल्क, कहाँ पर पहुँचता है वो? लीफ स्टाल्क, मतलब लीफ की स्टाल्क पर। और अटैक अटैच टू द स्टेम, जो स्टेम से अटैच होती है, ये स्टेम है और ये हमारी स्टाल्क है, तो इससे अटैच होती है। सो द वाटर रीचेस लीफ पासिंग थ्रू द लीफ स्टाल्क, तो वो लीफ स्टाल्क में पहुंचता है। जो उसकी मिडरीब, आपको बताई थी मिडरीब होती है मध्य शिरा, एंड वेरियस वेन, जो कई सारी उसकी महीन परत होती है उनमें जाता है। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंटर अ लीफ थ्रू स्टोमा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है उसमें स्ट्रोमा में, वो वहाँ पे पहुँचता है, मतलब लीव्स के मुंह पर। जब लीव्स के मुंह पर पहुँच जाता है देन क्या होता है? द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, सब क्या क्या प्रेजेंट होती है इसमें? क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन द लीफ एब्जॉर्ब एनर्जी एंड सनलाइट, तो वो क्या एब्जॉर्ब करती है? एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सूरज की रोशनी को। देन क्लोरोफिल टेक वाटर एंड कार्बन डाई यूजिंग द एनर्जी, तो उन दोनों को लेकर वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, ऊर्जा शक्ति बनाता है। टर्न द इन टू द फूड द फ्रॉम ग्लूकोज ऑफ स्टार्स, तो क्या बन जाता है उनका फूड? ग्लूकोज बनता है। द ऑक्सीजन इज रिलीज, तो फिर क्या छोड़ने लग जाता है वो? ऑक्सीजन। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो बेटा, द फूड इज ट्रांसमिशन थ्रू द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस, तो आपको समझ में आया कि ब्रांचेस उसके द्वारा ये अपना फूड तैयार करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट है इसका लीव्स, लीव्स इसीलिए हम इसे फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि लीव्स ही स्टोमा होता है, मतलब प्लांट का मुंह होता है उसमें, और जिसके द्वारा वह फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैर करता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, तब जाके मध्य शिरा में पहुंचता है, तब वो जाके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आप लोगों ने आज फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, नेक्स्ट आपने फंक्शन ऑफ लीव्स पढ़ा है। कल हम आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे, उससे पहले हम आपको चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट देंगे। टुमारो विल बी टेस्ट ऑन फर्स्ट चैप्टर, सो यू विल बी रेडी, और आपको चैप्टर ये दोबारा से रीड करना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, गुड, हैव अ गुड डे।